welcome to Veruschka Foundation Cookery Classes. बच्चों आज हम बनाएंगे sprout mix sprout pulao. चलो फिर ingredient देखें. आ जाओ. First आपको लगेगा इसमें चावल. One cup of चावल. One cup of sprout. Rice को हमने पहले एक घंटे पहले soak करके रखा है. धो के soak करके रखा है. उसके बाद sprout लिए हैं मूंग और चना. उसको हमने दो दिन पहले भिगो के रखे. उसके बाद उसके मोड़ आने लगे. उसके बाद हमने ये खड़े मसाले बेलीफ टू सिनेमन स्टिक 1/2 इंच लवंग ब्लैक पेपर बड़ी इलायची 1/2 टीस्पून टर्मरिक 1 टीस्पून घी 1 टीस्पून ऑयल 1 टीस्पून क्यूमिन सीड 1/2 टीस्पून हिंग 1 टीस्पून ग्रीन चिली अदरक एंड जिंजर पेस्ट ऑनियन 1 स्लाइसेस कैरेट 3 ग्रीन चिली हमने बड़े बड़े काटे और उसमें बड़ी बीच में से कट किया है. अगर आपको चाहिए इसमें ग्रीन वेजिटेबल डालने हैं तो वेजिटेबल भी डाल सकते हैं. शिमला मिर्ची मटर कुछ भी डाल सकते हैं. ओके फिर से बोलूं 1 कप ऑफ राइस. इसको हमने भिगो धो के सोक करके रखा है. 1 टेबल स्पून स्प्राउट फ्राइड. उसमें स्प्राउट में हम लोग मूंग और चना ले रहे हैं. खड़े मसाले बे लीफ्स 2 सिनेमन स्टिक 2 ब्लैक पेपर वेलची बड़ी इलायची एंड लवंग 1/2 टीस्पून हल्दी 1 टीस्पून क्यूमिन सीड 1/2 टीस्पून हिंग 1 टीस्पून ग्रीन चिली जिंजर एंड गार्लिक की पेस्ट 1 ऑनियन स्लाइसेस 1 कैरेट 3 मिर्च हरी मिर्च और टेस्ट के अनुसार सॉल्ट. ओके बच्चों चलो हम लोग राइस बनाने ले लें. बच्चों घर पे कर रहे हैं ना चेक कर रहे हो आपका वीडियो आना चाहिए. यहाँ पे हमने छोटा कुकर लिया है. इसको हम लोग गरम करेंगे. उसके बाद डालेंगे गरम होने के बाद डालेंगे घी. थोड़ा सा ऑयल 1 टेबल स्पून ऑयल. बड़ी इलायची ब्लैक पेपर सिनेमन स्टिक छोटे 2 इसे हमें अच्छी तरह सौते करने हैं. फिर बाद डालेंगे 1/2 टीस्पून हींग. उसके बाद डालेंगे क्यूमिन सीड 1 ऑनियन. गैस को थोड़ा स्लो करना है. ऑनियन को थोड़ा नरम ब्राउन कलर आना चाहिए. फिर
निकालेंगे स्प्राउट। हाफ कप ऑफ वाटर डालना है, तो हाफ कप ऑफ वाटर, 5 मिनट के लिए उसको गैस पे रखना है, क्योंकि हमारे जो स्प्राउट है वो अच्छी तरह कुक होने चाहिए। देखिए आप इसमें बासमती राइस भी यूज कर सकते हैं। मिक्स स्प्राउट राइस बच्चों अपना राइस रेडी है, बनाओ और घर पे सबको टेस्ट करने दे दो, कैसे बनाए मुझे रिप्लाई दे दो। ओके बाय।